Hello you guys, what's up and welcome to my channel. I hope you all are doing great. So finally, अभी मैं 12 दिन के बाद एक्चुअली मैं वापस कैमरे के सामने रिंग लाइट के सामने बैठी हूँ शूट करने के लिए बिकॉज आई हैव अपडेटेड यू गाइस दैट आई वॉज गोइंग थ्रू सम लेथिक ट्रीटमेंट जो मैंने 1st of September को करवाई थी 31st को करवाई थी या 1st को करवाई थी आई थिंक. और देन मैं अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगा रही थी. 2 वीक का मैंने कम्प्लीटली ब्रेक ले लिया था, 10 डेज का ब्रेक ले लिया था कि मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं करूँगी, रिंग लाइट के सामने नहीं बैठूंगी. बट इट्स बिन 10-12 डेज एंड देन आई थॉट ओके लेट्स स्टार्ट शूटिंग अगेन. सो हियर आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू विद बेयर फेस. मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया है बिकॉज अभी मैं इसके आगे स्टार्ट करूँगी मेकअप करना. मैं इतने दिन से मेरे फेस पे कुछ भी नहीं यूज़ करी थी, सिर्फ फेस वॉश और फेस क्रीम यूज़ करी थी, नॉट इवन सीरम स्क्रब कुछ भी नहीं यूज़ करी थी बिकॉज माई स्किन वॉज हीलिंग. नाउ आप लोग बहुत एक्साइटेड थे पहले से और मुझे मतलब इतने DMs आ रहे थे कि दीदी आप ये वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, आप ये वीडियो नहीं बना रहे हो. तो आई वॉज लाइक रुको है, टाइम आएगा, मैं वीडियो बनाती हूँ. ओके सो मैनी ऑफ यू वर क्यूरियस अबाउट कि मैंने मेरे फेस पे कौन सी ट्रीटमेंट करवाई है. मुझे इतने सारे DMs आ रहे थे, फ्यू पीपल वर आस्किंग कि आप लेसिक हेयर रिमूवल कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो आप एक्ने की ट्रीटमेंट कर रहे हो, कुछ बोल रहे थे फेस लिफ्ट कर रहे हो. गाइज नो, मैंने आपको बोला था दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड इट्स नॉट वेरी कॉमन. बट मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मुझे कर लेना चाहिए. मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, बहुत टाइम 7-8 साल से मैं सोच रही थी कि मैं ये ट्रीटमेंट करवाऊंगी. But I was not ready financially, या फिर I was not ready to, you know, just put my money into that. तो मुझे फाइनली लगा कि ठीक है अभी टाइम है, अभी मतलब बीच में वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो ठीक है चल रहा है, टाइम भी ऐसा चल रहा है तो करवा लेते हैं. तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि ये ट्रीटमेंट मैंने क्यों करवाई, कितने में करवाई और इसको कितने दिन कितने सेशंस लगते हैं क्योर होने के लिए, मैं सब कुछ बताऊंगी. बाय द वे आई एम वेरी सॉरी अगर आपको बाहर का डिस्टर्बेंस आ रहा होगा इस टाइम पे. एक्चुअली मेरी सोसाइटी में बच्चे खेल रहे होते हैं एंड आई कांट हेल्प इट, मुझे इसी टाइम पे वीडियो शूट करना था बिकॉज इसके बाद भी मुझे और वीडियो शूट करने हैं. सो यू गाइज मस्ट बी नोइंग कि आजकल बहुत सारे लेसर ट्रीटमेंट चल रहे हैं, वेदर इट्स फॉर हेयर रिमूवल, बॉडी के लिए, फेस के लिए एंड सो ऑन. तो इसमें भी एक्चुअली बहुत सारे टाइप्स होते हैं. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कॉस्मेटोलॉजी इफ़ यू गाइज डोंट नो. तो ये मोस्टली आपको लेसर क्लिनिक में या लेसिक क्लिनिक में या फिर कोई स्पेशल डर्मेटोलॉजिस्ट है उनके पास ये देखने को मिलेंगे. ये सारे डर्मेट्स के पास अवेलेबल नहीं होता, जिनके लेसिक क्लिनिक होते हैं उनके पास ही अवेलेबल होता है. तो इनमें से कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जो हेयर के लिए होता है, तो वो हेयर ट्रांसप्लांट के होते हैं. कुछ होता है जो आपके बॉडी के हेयर वो रिमूव करने के लिए होता है, दैट इज़ ऑल्सो अ लेसर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट. कुछ फेशियल के लिए होता है, कुछ यू नो अपने फेशियल टिश्यूज लिफ्ट करने के लिए होता है. तो ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनमें से मैंने चूज़ किया लेसिक मोल्ड रिमूवल ट्रीटमेंट. तो अभी मैं आपको मेरे ट्रीटमेंट के बारे में बताती हूँ. मैंने लेजर मोल्ड रिमूवल ट्रीटमेंट लिया था, वो इसलिए क्योंकि मेरे फेस पे ना एक्चुअली बहुत सारे यहाँ पे फोरहेड पे, नोज पे, यहाँ पे बहुत सारी जगह पे छोटे मोटे ऐसे मोल्स थे. कुछ कुछ बहुत ज़्यादा डार्क थे, कुछ कुछ फेंट थे, कुछ कुछ अभी भी आ रहे थे, कुछ कुछ अभी भी आ रहे हैं विच आई कान कंट्रोल. और मोल ऐसी चीज़ है ना कि आप कितना भी स्क्रब कर लो, कोई भी क्रीम लगा लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं जाते. ठीक है, आप पिंपल को वैसे ट्रीट कर सकते हो, आप रिंकल्स को वैसे ट्रीट कर सकते हो, आप एक्ने देन बहुत सारी मतलब हाइपर पिगमेंटेशन है या फिर बहुत सारी चीज़ों का आप कुछ यू नो क्रीम से या कोई तो ट्रीटमेंट से आप ट्रीट कर सकते हो. बट मोल इज़ समथिंग आप किसी भी कॉस्मेटिक से या किसी भी स्किन केयर से उसको ट्रीट नहीं कर सकते. सो अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस दिस ट्रीटमेंट इज समथिंग जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग प्रेफर नहीं करते करना एंड विच इज़ ओके विच इज़ राइट. मोल अपने फेस पे होना इज़ नॉट समथिंग दैट लुक्स वियर्ड और बैड, दिस इज़ वेरी नेचुरल. सबको होता है, बॉडी पे मोल्स होता है, फेस पे होता है. बट दिस इज़ जस्ट मी, जैसे लाइक आई हैव दिस चबी चीक्स ओके, और मैं थोड़ा सा मेरा ओवरवेट है बट ये मुझे बॉदर नहीं करता. वॉट बॉदर्स मी एक्चुअली कि मेरे फेस पे ना इतने सारे स्पॉट्स हैं, मुझे बहुत बॉदर कर रहा था. और फिर मैंने सोचा कि चलो इतना ज़्यादा बॉदर कर रहा है तो करके ही देखते हैं. और बहुत टाइम से ना मुझे लेसर ट्रीटमेंट कैसा होता है ये एक्सपीरियंस करना था. अभी मेरे फेस पे तो हेयर है ही नहीं, मतलब मैं हार्डली 2 महीने में एक बार आईब्रोज करवाती हूँ और मंथ में मैं एक या दो बार हार्डली मैं फेस शेविंग करती हूँ, वो भी सिर्फ मेरे अपर लिप्स के लिए क्योंकि मेरी फेशियल हेयर ग्रोथ है नहीं ज़्यादा. तो मैंने सोचा उसको तो मैं कुछ कर नहीं सकती, मुझे बॉडी हेयर पे इतना सारा खर्चा नहीं करना है. तो व्हाट आई कैन ट्राई इज़ मोल्ड रिमूवल.
देन आई थॉट ठीक है चलो, फिर मैंने डोमैट्स के बारे में सर्च करना चालू कर दिया कि किसके पास कैसी सर्विस है, मेरे एरिया में कौन से डोमैट्स है, एंड देन फाइनली आई फाउंड अ क्लिनिक जहाँ पे ये मैं मेरी ट्रीटमेंट करवा सकती हूँ. सो क्लिनिक ढूंढने के बाद मैं सबसे पहले उस डर्मेटोलॉजिस्ट से मिली. आई टोल्ड हर माय प्रॉब्लम, आई शोड हर माय स्किन, मेरा स्किन टाइप कैसा है, मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ स्किन पे, कौन से सीरम यूज़ करती हूँ, अगर मैं कोई केमिकल पीलिंग करती हूँ कि नहीं, या फिर जो भी मेरे हैबिट्स हैं स्किन केयर के वो मैंने उनको बताए. एंड देन शी जस्ट टोल्ड मी दैट ओके दिस इज़ नॉट अ वेरी मेजर ट्रीटमेंट, यह आप आराम से कर सकते हो और ये बहुत ज़्यादा आपको पेन भी नहीं देता है अनलेस एंड अंटिल योर स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव. तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि ओके ठीक है, ओके आई कैन डू दिस. बट देन शी ऑल्सो टोल्ड मी दैट अमृता इट्स 50-50 चांसेस, कुछ लोगों के मोल्स वापस आ जाते हैं, वेदर इट्स 1 week 2 week एक दो महीने बाद आ जाता है, किसी के कभी वापस नहीं आता है. सो इट्स अ रिस्क, और ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ट्रीटमेंट करवा लिया तो ये यू नो आपके फेस पे कभी आएंगे ही नहीं. विच मेड मी थिंक लाइक ओके अब क्या करें, बट स्टिल मुझे था कि नहीं मुझे ट्रीटमेंट करवा के लेनी है. तो देखते हैं, फर्स्ट सिटिंग करवा के देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या आते हैं. सो ये फर्स्ट सिटिंग मैंने आई थिंक लास्ट मंथ करवाई थी, इन जुलाई और अगस्त कब गए थे हम लोग, अगस्त गए थे ना, या सो हम अगस्त में गए थे करवाने के लिए. तो नाउ आई डोंट नो द डेट एग्जैक्टली, ठीक है, बट हो गया होगा उसको 1 month हो गया होगा, मैं 1 महीने से यही कर रही हूँ. ये मेरी थर्ड सिटिंग, एक्चुअली मैंने 3 sitting ली उनके पास, क्योंकि क्या हो रहा था ना, फर्स्ट सिटिंग में मेरे कुछ मोस्ट चले गए, फिर थोड़े दिन बाद ना थोड़ा थोड़ा वापस आने लग गया, एंड देन आई वॉज वरिड कि ओके ये वापस आ रहा है अब क्या कर सकते हैं. बट देन शी टोल्ड मी दिस इन एडवांस, सो आई वॉज प्रिपेयर्ड कि ठीक है आ रहा है, क्या कर सकते हैं ना, वापस हम और एक सिटिंग ले सकते हैं या फिर इट्स कम्प्लीटली माई कॉल कि मुझे क्या करना है. सो ये चल ही रहा था, तो अगस्त में मैं फर्स्ट सिटिंग करने गई थी उनके पास. नाउ आई विल टेल यू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप भी इसको ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो, बी इट लेसिक हेयर रिमूवल या फिर मोल रिमूवल जो भी करना चाहते हो, तो आप जब भी डर्मेट के पास जा रहे हो ट्रीटमेंट के लिए, मेक श्योर आपने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, नो मेकअप, नॉट इवन यू नो दैट कॉम्पैक्ट पाउडर आपको कुछ भी नहीं लगाना है, बिकॉज देन इससे आपकी ट्रीटमेंट अच्छे से होगी नहीं. तो जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी उनके पास कंसल्टेशन के लिए, तो तब मैंने काजल वाजल लगा लिया था, तो मैंने दूसरी डेट ले ली मेरे ट्रीटमेंट के लिए. तो तब मैंने कुछ भी नहीं करवाया था फेस पे, सिर्फ मेरा फेस वॉश करके गई थी मैं, एंड ऑब्वियसली मैं एक दिन पहले स्क्रब करके गई थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि ये ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग आपको बिल्कुल फेस स्क्रब यूज़ नहीं करना है. ओके तो मैं आपको स्टेप वाइज बताती हूँ आपको वो क्या करते हैं. तो जो फर्स्ट सेशन में मैं उनके पास गई थी, सो दैट टाइम शी अप्लाइड सम क्रीम ऑन माई फेस, जहाँ जहाँ के मोल्स मुझे निकालने हैं वहाँ पर उन्होंने वो क्रीम अप्लाई कर दिया, और उन्होंने व्हाट इज दैट सेलो टेप, आई डोंट नो व्हाट इज इट, मेडिकल टेप है वो, उसके ऊपर लगा दी. तो आई थिंक इट्स एन एनेस्थेशिया कि आपको जो भी मतलब वो लेसिक का ट्रीटमेंट करते टाइम पेन हो रहा है, वो पेन को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए या कम्प्लीटली यू नो पेन को हटाने के लिए होता है, बट ऐसा होता नहीं है, कम्प्लीटली पेन जाता नहीं, यू कैन स्टिल फील इट ऑन योर स्किन. तो जो ट्रीटमेंट है ये बहुत सुपरफिशियल होती है, और ये क्रीम लगाने के बाद आपको मतलब जो भी आपके 2-3 layers है उधर तक ही वो काम करती है. अगर आप बहुत डीप जाओगे तो आपको यू नो महसूस होगा कि हाँ मेरे स्किन पे कुछ तो हो रहा है. तो ये क्रीम लगाने के बाद यू हैव टू वेट फॉर 30-40 minutes, मैंने आई थिंक 45 minutes वेट किया था, एंड देन आई वेंट देयर सैट ऑन अ चेयर, और उन्होंने वो एक ऐसा पेन रहता है उनके पास लेसिक वाला, तो उससे उन्होंने यहाँ पे जलाना चालू किया. बेसिकली वो जलाते हैं उसको, राइट, कोई भी लेसिक ट्रीटमेंट है तो वो क्या करते हैं, जलाते हैं. सो इन माई फर्स्ट सेशन वॉट आई डिड वॉज, ये बड़ा वाला मेरे 4-5 बड़े मोल्स थे, जो ये एक है, दो यहाँ पे, तीसरा था, चौथा, एंड दिस 5th one, तो ये मेरे 5 major थे, उसके ऊपर मैंने किया, और यहाँ पे 1-2-3 आँखों के यहाँ पे 2-3 थे उसके ऊपर किया. सो वो करने के लिए मुझे हार्डली 15 minutes, बहुत हो गए, बहुत बोल दिया मैंने, 10-15 minutes उसके लिए मुझे लग गए. तो वो ट्रीटमेंट करते टाइम क्या होता है ना, जब मतलब जब वो यहाँ पे कर रही थी तो मुझे ज़्यादा कुछ फील नहीं हो रहा था फेस पे, बिकॉज वो एनेस्थेशिया मेरे स्किन पे अच्छे से बैठ गया था. बट जब मैं यहाँ पे मेरे नोज़ वाला मोल रिमूव कर रही थी ना, तो मुझे एक्चुअली बर्निंग वाली स्मेल आ रही थी कि ओ गॉड क्या बर्न हो रहा है मेरे स्किन पे. सो आई वाज लिटिल वरिड, बट देन शी आस्क्ड मी टू काम डाउन, शी लाइक कुछ नहीं, छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है, तो हो जाएगा. तो मैं ऐसे 15-20 minutes में फ्री हो गई वहाँ से. ओके तो पोस्ट ट्रीटमेंट उन्होंने मुझे कुछ प्रिकॉशंस बोले लेने के लिए, दैट इज़
कि अब ये जो बर्न हुआ है एरिया, उसके ऊपर स्कैब आएंगे जो 4-5 दिन रहेंगे, मे बी 1 हफ्ता रहेगा। तो तब तक मुझे मेरे फेस पे कुछ भी यूज़ नहीं करना है, लाइक बहुत हार्श स्क्रब नहीं, स्क्रब ही नहीं यूज़ करना, रादर हार्श ऐसा नहीं, बट मुझे मेरे फेस पे स्क्रब नहीं यूज़ करना है ऑब्वियसली, क्योंकि आप स्क्रब करोगे तो वो निकलेंगे, राइट। तो स्क्रब नहीं यूज़ करना है मुझे, कोई भी सिरम नहीं यूज़ करना है मुझे, विटामिन सी या रेटिनॉल ऐसे कुछ, यू नो, फेशियल क्रीम या फिर फेशियल सिरम कुछ भी नहीं यूज़ करना है। आई जस्ट हैव टू यूज़ अ नॉर्मल फेस वॉश, और अगर आपका फेस बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहा है देन शी आस्क्ड मी टू यूज़ नॉर्मल क्रीम, जो नॉन ऑयली होता है वैसा वाला क्रीम, बहुत सारा मॉइस्चराइजर और बहुत सारे वो जो होता है ना कि ये क्रीम वो क्रीम, फेस मास्क, शीट मास्क, ये कुछ भी मैंने नहीं लगाना था। सो वो हो गया ट्रीटमेंट करके मेरा, एंड देन आई केम होम, और आप इस फुटेज में अभी देख सकते हो कि वो कैसे दिख रहे थे। तो गाइज आई एम बैक फ्रॉम द क्लिनिक, और अभी मेरे स्कार्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं। सो इट्स स्टिल लुकिंग द सेम, बट शी टोल्ड मी दैट इट विल हील मे बी इन अ वीक और 10 डेज, लेट्स सी 1 वीक बाद देखते हैं ये कैसे दिखता है, या फिर कम्प्लीटली वैनिश हो जाता है। एंड दिस इज द रीजन वाई आई कॉन्ट शूट वीडियोज फॉर यूट्यूब, बिकॉज मैं बहुत सारी लाइटिंग यूज करती हूँ, रिंग लाइट यूज करती हूँ, और मेकअप यूज करना पड़ता है। सो अभी मुझे मेरे स्किन को कम्प्लीटली रेस्ट देना है, स्किन पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, स्क्रबिंग तो मुझे 10 डेज तक बिल्कुल नहीं करनी है। एंड आई कैन अप्लाई लाइक कॉस्मेटिक्स लाइक काजल और लिपस्टिक, बिकॉज लिप्स पे और आईज पे मैंने कुछ नहीं करवाया है, so that I can apply, but I am avoiding applying foundation and other makeup, because almost मेरे सारे face पे ही सब कुछ किया हुआ है। so for better results मैंने सोचा चलो ठीक है 10 डेज का ब्रेक ले लेते हैं। ओके, तो ये तब का फुटेज है जब मैं फर्स्ट सिटिंग करवा के आई थी मेरी, और ये ऑलमोस्ट 5 टू 6 डेज तक रहे थे, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम करवाया था, एंड माई स्किन इज नॉट यूज टू इट। तो क्या हुआ था, मतलब वो स्कैब भी जब होता है ना तो उनको भी कुछ मतलब रिकवरी चाहिए होती है, राइट। तो उसके लिए उन्होंने मुझे ऑइंटमेंट सजेस्ट किया था, दिस इज टी बैक्ड ऑइंटमेंट, उसके ऊपर कोई तो बड़ा सा नाम लिखा है जो मुझे नहीं पता, बट ये ट्यूब उन्होंने मुझे दी थी। तो मैं क्या करती थी हमेशा, जब भी सुबह शाम मेरा फेस वॉश करती थी उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाने के बाद, मैं ये वाला जो है ना डॉट, मतलब क्या बोलते हैं इसको, स्पॉट ट्रीटमेंट जिसको बोलता है, तो ऐसे डॉट 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 लगा के इसको छोड़ देती थी मैं, बिल्कुल इसको मसाज नहीं करती थी, कुछ भी नहीं करती थी, डॉट में ये क्रीम लगा के इसको छोड़ देती थी। तो ये ऐसे ही पूरा दिन रहता था, और मेरा फेस बहुत ऑयली हो जाता था इसकी वजह से, बट दैट्स ओके, दिस इज एन ऑइंटमेंट, ये ऑयली तो होगा ही, राइट। और इस ऑइंटमेंट के अलावा मैं 2 फेस वॉशेस यूज़ कर रही थी, दिस इज़ द गुड वाइब्स पपाया फेस वॉश, ये मुझे बहुत माइल्ड लगता है, आपने देख भी लिया होगा मैंने इतना इसको ख़त्म कर दिया है। एंड द सेकेंड वन इज़ दिस मोहा हर्बल फेस वॉश, ये भी बहुत ज़्यादा लाइट है, और इससे भी मुझे बिल्कुल मेरे स्किन पे इरिटेशन नहीं होती, ना बम्स आए थे कुछ नहीं, रादर ये दोनों फेस वॉशेस से मुझे कोई रिएक्शन नहीं हुआ था जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। सो ये मुझे बहुत माइल्ड लगते हैं, तो इसलिए मैं इनको यूज़ कर रही थी। और फेस वॉशेस के अलावा मुझे सिर्फ फेस क्रीम यूज़ करना अलाउ था, और तो इसके लिए मैं ये यूज़ कर रही थी मामाअर्थ का उपटन अल्ट्रा लाइट जेल, क्योंकि ये बहुत हैवी भी नहीं है, स्किन पे एकदम से लग जाता है, फटक से अब्सॉर्ब भी हो जाता है, और आपको बार बार रब करने की ज़रूरत नहीं। तो मुझे ये प्रिकॉशन लेनी थी कि मुझे मेरे फेस को कम से कम टाइम टच करना है, और इन लॉन्ग नेल्स के साथ तो बिल्कुल टच नहीं करना है, तो सिर्फ मैं मेरा राइट हैंड यूज़ कर दी थी बिकॉज इसके नेल्स छोटे हैं। और उसके अलावा मैं ये 2 लिप बाम्स यूज़ करती थी बायोटिक के, ये तो मतलब ख़त्म हो गया है मेरा बायो फ्रूट का, तो ये वाला था सी, ये ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं ये लिप बाम यूज़ करती थी बिकॉज ये बहुत हाइड्रेटेड रखता है लिप्स को। ये मैंने नायका के सेल से लिया था अभी रिसेंटली, तो ये वाला मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है। सो दैट्स इट, मैं इतना ही स्किन केयर यूज़ कर रही थी फॉर ऑलमोस्ट 10 डेज जो मैंने फर्स्ट ट्रीटमेंट करवाया था तब। तो ट्रीटमेंट लेने के बाद का जो फर्स्ट वीक था ना, वो कम्प्लीटली मतलब मेरे स्कैब थे मेरे फेस पे ही, तो तब मैं इतना स्किन केयर यूज़ कर रही थी। और आई थिंक 6th और 7th डे पे मेरा सबसे पहले नोज़ वाला निकल गया था स्कैब, जो कि अभी मतलब है ही नहीं, वो कम्प्लीटली चला गया है मोल, तो ये निकल गया, फिर ये निकल गया। एक्चुअली मैं जब हेड बाथ ले रही थी, तो आपको पता है ना हेड बाथ के टाइम पे बहुत कुछ होता है, मॉइस्ट हो जाती है स्किन, क्योंकि हम बहुत टाइम तक पानी में रहते हैं, तो तब ये और ये वाले निकल गए थे। तो ऐसे करके मेरे 7 डेज के अंदर सारे स्कैब निकल गए थे। तो जब आपके स्कैब निकलते हैं, तब आपको यहाँ पे जो आपकी स्किन आती है ना, वो बहुत ऐसी बेबी सॉफ्ट पिंक कलर की स्किन आती है,
तो तभी भी मतलब ऐसा नहीं कि स्कैब निकल गया अभी आपको जो चाहिए आप यूज़ कर लो, ऐसा नहीं। स्कैब निकलने के बाद भी 7 डेज तक मैं यही फॉलो करी थी। मैंने और कुछ भी नया प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया था मैं स्किन केयर में, बट मैंने सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट किया था। बिकॉज जब भी आपके स्कैब निकलते हैं, रादर आपके जब भी स्कैब है भी और जब निकलते भी हैं, 15 डेज तक आपको घर के बाहर नहीं निकलना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं निकलना है बेसिकली। तो यहाँ पर तो वैसे भी बारिश का मौसम हो रहा है अभी, बट बीच बीच में सनलाइट आती रहती है एंड इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप घर पर तभी भी सनस्क्रीन यूज करो। तो मैं SPF 30 वाला सनस्क्रीन यूज करती थी जब मैं घर पे हूँ, और अगर मैं बाहर जा रही हूँ कुछ काम के लिए तो मैं SPF 50 का सनस्क्रीन यूज करती थी। तो फर्स्ट सेशन होने के बाद मैंने ऑलमोस्ट 10 डेज का ब्रेक लिया था, और उसके बाद मैंने वापस मेरे वीडियो शूट करना चालू किया बिकॉज मुझे रिंग लाइट के सामने नहीं बैठना था और मुझे बाहर भी नहीं जाना था सनलाइट में। तो 10 डेज के बाद मैंने मेरा वापस रूटीन चालू कर दिया बिकॉज रिंग लाइट से भी दिस इज एन LED लाइट राइट, तो उससे भी रेज निकलते हैं, ये बाकी 2 लाइट्स हैं इनसे भी रेज निकलते हैं, सन से भी रेज निकलते हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे अवॉइड करनी थी और मैंने वो कम्प्लीटली किया। स्टिल इतना सब कुछ फॉलो करने के बाद भी ये वाला जो है मेरे नोज़ का ये वाला जो मोल है ये वापस आ गया दोबारा। एक ये वाला था ये भी वापस आ गया, और इसका थोड़ा सा मतलब ये कम्प्लीटली गया नहीं था, थोड़ा सा फेंट रह गया था ये। ओके तो ये 3 मुझे वापस आ गए एंड देन मुझे लगा ओके अभी क्या कर रहे हैं, अभी मुझे वापस सेकेंड सिटिंग के लिए जाना पड़ेगा। एंड देन आई अगेन कंसल्टेड हर एंड शी सेड ठीक है सेकेंड सिटिंग हम कर लेते हैं, मोस्टली इस बार तो सारा चला जाना चाहिए। तो सेकेंड सिटिंग भी मैंने ले लिया, सेम प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया फर्स्ट वाला जो था सेम वैसा ही सेकेंड का मैंने फॉलो किया। तो सेकेंड में ये तो चले गए लेकिन ये वाला जो था मेरा ये वापस आ गया दोबारा। तो मतलब जो सेकेंड सिटिंग में थे ना वो ऑलमोस्ट मैं बताती हूँ आपको 80% मेरा काम हो गया था, 20% थोड़े थोड़े से स्पॉट्स दिख रहे थे वो भी विदाउट मेकअप। अगर मैं प्रॉपर मेकअप करती हूँ यू नो फाउंडेशन कंसीलर लगाती हूँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, सब कुछ छुप रहा था, तो फेंट स्पॉट थे। तो मुझे लगा कि चलो ट्रीटमेंट लिया ही है तो अच्छे से कर लेते हैं इसको, तो इसलिए मैंने वापस थर्ड सेशन लिया जो अभी रिसेंटली लिया 1 सितंबर को मैंने लिया, दिस वाज माय थर्ड सेशन। तो उसमें क्या हुआ ना कि ऑलरेडी इसके ऊपर और इसके ऊपर मैंने 2 बार करवा लिया था ट्रीटमेंट। तो शी सजेस्टेड मी अमृता लेट इट बी, जहाँ पे ये वाला आपने करवाया है तो ये अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत डीप में गए स्किन के, क्योंकि ये जो 2 थे ना वो मेरे बचपन से थे ठीक है। तो जो होता है ना कि बचपन से जो मोल होता है वो डीप डाउन होता है स्किन के अंदर, और कभी कभी क्या होता है कि आप उसको कितना भी निकाल लो वो वापस आ जाता है थोड़े टाइम बाद। सो शी सजेस्टेड मी कि अगर हमने बहुत इसको डीप किया तो आपके फोरहेड पर यहाँ पे स्कार पड़ जाएगा, मतलब स्किन जो है ऐसी अंदर दिखती है कि हाँ आपने कुछ तो करवाया है यहाँ पे, और इतना सब कुछ करके भी वो कंप्लीट स्किन कलर का होगा या नहीं ये भी पता नहीं। जैसे अभी भी ये थोड़ा सा है, ये एक्चुअली मतलब पूरा रिकवर हुआ नहीं है इसलिए ऐसा दिख रहा है थोड़ा सा ग्रेइश कलर का, बट आफ्टर सम टाइम अ मंथ और 2 फिर भी आपको वो स्पॉट वहाँ पे दिखना चालू हो जाता है और आपका स्कार भी दिखता है, तो देन इट लुक्स बैड। बट आई स्टिल टोल्ड हर कि ठीक है ये मोस्टली हम अपना लास्ट सिटिंग ही रखते हैं, और इसमें आप क्या करना एकदम थोड़ा सा हल्के से करना, मतलब वो भी क्या कि जो ऑलरेडी है उसके अलावा अगर आजू बाजू में कोई पिगमेंटेशन है तो उसके ऊपर हम करते हैं, अदरवाइज लेट इट बी। तो मैंने ये वाला करवाया, ये वाला और ये वाला, ये जो मेरा बीच में नोज़ पे था एक बड़ा सा वो तो मतलब फर्स्ट वाले में हट गया, वो अभी भी मैं देखती हूँ अभी भी वो वापस नहीं आया है। तो ये और ये 4 ही मैंने करवाए ट्रीटमेंट, और तो थर्ड सेशन के बाद मैंने ये जो है ये वाले करवाए 4 मेरे, और अभी ऑलमोस्ट 5 to 6 days हो गया होगा स्कैप निकलने के बाद, तभी मैं शूट कर रही हूँ तो 1 week ऑलमोस्ट हो गया है। तो अभी ये ऐसे कुछ दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो आपको स्पॉट दिख रहा है ना दीज आर नॉट बेसिकली मोल्स, ये ऑलरेडी क्या बोलते हैं मैंने 3 बार करवाया है इसलिए थोड़े से स्कार दिख रहे हैं, और वो भी अभी हील हो रहा है। कोई भी आप कहीं पे भी आपको चोट लगती है, जैसे मुझे यहाँ पे लगा था अभी, दिस इज़ लाइक वेरी लॉन्ग, बट कोई भी आपको चोट लगती है तो जो आपकी न्यू स्किन आती है वो कुछ दिन आपके नॉर्मल स्किन से अलग से दिखती है राइट, और फिर थोड़े टाइम के बाद वो यू नो मिक्स होना चालू हो जाता है, आपकी नॉर्मल स्किन के साथ मिक्स होना चालू हो जाता है। तो वैसा ही फेस का है, वैसे ही लेज़र ट्रीटमेंट का भी है कि आपकी जो भी स्किन यहाँ पे बर्न हुई है वो थोड़े दिन के बाद, उसको टाइम लगता है 1-2 महीने 3 महीने जितना भी टाइम आपकी स्किन लेती है, तो उसके बाद ही वो स्किन से एकदम सिमिलर आपको दिखेगी। तब तक ये छोटे छोटे ऐसे स्पॉट्स हैं ये मुझे दिखते रहते हैं, और अभी मतलब मैंने कुछ भी मेरे फेस पे नहीं लगाया है, सिर्फ क्रीम लगाया है इसलिए वो आपको ज़्यादा दिख रहा है। जब मैं नॉर्मल कॉम्पैक्ट भी लगाती हूँ तो ये सारे छुप जाते हैं, और ऑब्वियसली फाउंडेशन और कंसीलर से तो छुप ही जाते हैं। तो इसके बाद अभी मैं दूसरा वीडियो शूट करूँगी तो मेकअप करूँगी तो उससे मुझे पता चलेगा कि कितना कुछ कुछ हाइड हो रहा है।
मतलब मैं फोर्थ सेशन तो लूंगी नहीं बिकॉज इट्स नॉट एडवाइजेबल, और ऑलरेडी यहाँ पे जो छोटा सा बम्प हो गया है तो मुझे और मेरे स्किन के साथ खिलवाड़ नहीं करनी है। ऑलराइट, तो ये थी मेरी पूरी लेसिक मोल रिमूवल की स्टोरी, और आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे दो मेरे इमेजेस अभी डाल देती हूँ, मेरे बिफोर और आफ्टर, आपको समझ में आएगा डिफरेंस कि ये कैसा वर्क कर गया है मेरे लिए। तो जैसे कि आप दोनों इमेजेस में देख पा रहे हो, मेरे आफ्टर वाली इमेज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है, सिर्फ कुछ कुछ स्पॉट्स है ये अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, जो आई थिंक हाँ 2-3 महीने में हो जाएंगे। बट आई वॉन्टेड टू शूट दिस वीडियो क्योंकि बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे, और मुझे और इस वीडियो को यू नो 2-3 मंथ्स पोस्टपोन नहीं करना था, तो मैंने ये शूट कर लिया पहले ही। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये ट्रीटमेंट मैंने कहाँ से करवाई है और कितनी कॉस्ट में करवाई है। सो देयर इज़ वन क्लिनिक इन खराड़ी, खराड़ी में मेरा ऑफिस है तो वहाँ से मुझे नज़दीक पड़ता है, इसलिए मैं वहाँ से करवाया मैंने। तो वहाँ पे एक स्किन एवेन्यू करके क्लिनिक है डॉक्टर श्रद्धा सामंत का, एंड शी इज़ अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड शी इज़ वेरी एक्सपर्ट। मैंने एक्चुअली मेरे हेयर ट्रीटमेंट के लिए भी मैं उनके पास गई थी, और उन्होंने जो मुझे टैबलेट्स मेडिसिन दिया वो मेरे हेयर फॉल पे काफ़ी अच्छा काम कर गए। तो मैंने सोचा कि चलो उनके पास ही मैं यू नो स्किन ट्रीटमेंट के लिए भी जाती हूँ। सो शी इज़ अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, और ये पूरी ट्रीटमेंट का मुझे एक्चुअली खर्चा पड़ा है अराउंड 7,500 और 8,000। तो बेसिकली अगर आपको कोई एक ही मोल रिमूव करना है, मतलब सिंगल मुझे सिर्फ मेरे नोज़ का करना होता, फोरहेड का करना होता, तो पर मोल आपको 1,500 चार्ज होता है। बट मुझे बिकॉज मेरे मल्टीपल मोल्स थे और कुछ कुछ बहुत छोटे थे और कुछ बड़े थे, तो मेरे फर्स्ट सेशन में इट कॉस्टेड मी अराउंड 5,000। और जो मेरे फिर बाकी जो दो सेशंस हुए ना, तो उसमें इंक्लूडिंग माय कंसल्टेशन फीस एंड सेकेंड एंड थर्ड सेशन, तो मुझे 2,000 और 2,500 समथिंग मुझे थोड़े एक्स्ट्रा पे करने पड़ गए। और ये जो तीनों सेशंस हैं ये टोटली मुझे कॉस्ट कर गए अराउंड 8,000। तो इट्स लाइक कि अगर आपको एक ही मोल रिमूव करना है सो आपको चार्ज पड़ता है अराउंड 1500 टू 2000 डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द मोल। तो मेरे कोई भी ऐसे बड़े से मोल नहीं थे जो स्किन के बाहर आए, जो स्किन के सरफेस पे जो मोल रहते हैं छोटे से, वैसे वाले मोल थे। तो मेरे को पर मोल 1500 चार्ज पड़ा, बट बिकॉज मेरे मल्टीपल मोल्स थे और मतलब कुछ कुछ फेन थे और कुछ कुछ डार्क थे, तो इसलिए शी कॉस्टेड मी 5,000 फॉर माई फर्स्ट सेशन। देन मैंने सेकेंड एंड थर्ड सेटिंग का इंक्लूडिंग कंसल्टेशन जो मुझे चार्ज पड़ा है दैट इज 3,000, बिकॉज जो बाकी कुछ कुछ जो छोटे छोटे रह गए थे दोबारा आ गए थे उसके लिए था ये कम्प्लीटली, मतलब न्यू मैं स्किन पे नहीं करवा रही थी, मैंने ऑलरेडी किया था, तो शी कॉस्टेड मी 3,000। तो ये पूरे ट्रीटमेंट का टोटल मिला के मुझे खर्चा आया है 8,000। सो दैट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस, और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था बिकॉज मैनी ऑफ यू वो आस्किंग मी अबाउट माई एक्सपीरियंस एंड यू नो मैंने कौन सा स्किन ट्रीटमेंट करवाया है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, मोल रिमूवल करने की ज़रूरत नहीं होती है सबको, दिस इज़ एन इंडिविजुअल चॉइस, ओके। तो मुझे लगा था मुझे करना है इसलिए मैंने करवाया, जस्ट बिकॉज मैंने किया इसलिए आपको करना है ऐसा कुछ नहीं है, इट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। बस मुझे आपको बताना था कि इस ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है, ये कितना कॉस्ट करता है, सो आप अकॉर्डिंग टू यू आपका बजट क्या है, आप करवाना चाहते हो कि नहीं, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। बस अगर आप ये ट्रीटमेंट करवाते भी हो तो आपको एक 10 डेज का बफर रख के चलना पड़ेगा कि 10 डेज आप कोई भी कॉस्मेटिक या स्किन केयर यूज नहीं कर सकते फॉर बेटर रिजल्ट्स। एंड दैट्स ऑल अबाउट माई लेजर मोल रिमूवल एक्सपीरियंस, आई थॉट ऑफ शेयरिंग माई स्टोरी विथ यू गाइड, और आपको इंडिया में इसका कितना कॉस्ट पड़ेगा एस्टिमेट, तो ये मैं आपको बताना चाहती थी। सो आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल, आई होप मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए होंगे। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ पूछना है इसके बारे में, इस ट्रीटमेंट के बारे में, देन डू लेट मी नो इन कमेंट्स डाउन बिलो, एंड आई शैल सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। Till then, take care and bye-bye.